अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट वन का, और ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड बेस्ड लेक्चर आपका, और ये है हमारी जो सीरीज लेक्चर की चल रही है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ अकाउंटिंग, लाइक उसके जो रूल्स हैं उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे यूज़ करते हुए एंट्रीज करें अकाउंटिंग के अंदर। तो उस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है, और पहले हमने किया था एसेट्स, फिर हमने किए एक्सपेंसेस, और अब हम लोग कर रहे हैं आज इनकम। इनकम में की जब भी ट्रांजेक्शन आपके पास आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनकम वाली ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको एक गेस्ट दिया था कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो उसमें एक एसेट होता है या दूसरा भी एसेट होता है, पहला डबल एसेट वाला एक एसेट होता है, दूसरा एक्सपेंस होता है, जिसे हमने से पिछली वाले लेक्चर में देखा एक्सपेंसेस वाले में। और आज अगर हम देखेंगे तो आज भी इनकम के साथ जो एक और आपका अकाउंट मौजूद होगा वो होगा आपका एसेट का। तो एसेट ऑलवेज रिमेंस हियर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है जो एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट इनकम का है। कि एक्सपेंस के अंदर हम देखते थे कि जब भी हम ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ट्रांजेक्शन को पढ़ने पर पैसे आउट होते नजर आते हैं, पर हमारे कारोबार में आता कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं दूसरा जो चीज नहीं आ रही वो हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस नेचर ऑफ अकाउंट में लिख लेते थे। अब हमारे जो इनकम है, इनकम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जब भी कैश हमारे पास ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कैश हमारे पास जा रहा है पर आ कुछ नहीं रहा, ऑपोजिट है, उसमें कैश जा रहा था सॉरी और इनकम में पैसे आ रहे थे और जा कुछ नहीं रहा, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो हम इनकम में देखेंगे कि हमारे पास पैसे जो है वो हमारे पास कारोबार में आ रहे हैं पर कारोबार से जा कुछ नहीं रहा। तो इस बिना पर हम लोग ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है रिसीव किया हमने कमीशन ₹9,000 किस शक्ल में रिसीव करेंगे। सपोज हम प्रॉपर्टी डीलर हैं तो हम प्रॉपर्टी एजेंट हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं किसी बंदे की, उससे हम कमीशन रिसीव करते हैं, तो हम लोग कैश में रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पहले कैश। कैश हमारा एक एसेट है, आप जानते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में वो कैश एक एसेट है, कारोबार में रिसीव करने पर वो आ रहा है। कैश एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा वो डेबिट। फॉर्मूला जानते हैं अच्छे तरीके से, बल्कि मैं आपको साथ ही यहाँ बयान भी कर दूँ कि आज हम लोग कर रहे हैं इनकम और एसेट वाला फार्मूला, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो एसेट और यहाँ पे आ गई हमारे पास इनकम, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है, और साइन होंगे डेबिट और क्रेडिट। अब इस बिना पर डिसाइड करते हैं, जब भी हमारे पास कैश एसेट इंक्रीज हो तो कैश एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, डेबिट हो गया, अमाउंट है हमारे पास 9,000। अब हमारा वही टेक्निक के ट्रांजेक्शन को पढ़ें और दूसरा अकाउंट ढूंढें। हम दूसरा अकाउंट ढूंढते हैं, लिखा हुआ रिसीव कमीशन ₹9,000। हमने देखा तो यार कमीशन आ तो रही है कैश के अंदर और रिसीव ही हो रही है, पर हमारे पास जा कुछ नहीं रहा। जब भी दूसरा अकाउंट आपको ना मिले, कोई भी चीज़ नहीं जा रही है आपके पास, तो आप ढूंढने के लिए इन फार्मूलाज के सेट के पास आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आज करें इनकम का फार्मूला, और इनकम तब होगी ये कि जब हमारे पास कैश आ रहा होगा और हमारे पास से जा कुछ नहीं रहा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश हमारे पास डेबिट माइनस आ रहा है पर हमारे पास से जा कुछ नहीं रहा, तो इस बिना पर इस वाले को हमने चूज किया। कल वाले या पहले वाले हमारे लेक्चर एक्सपेंस में हमारे पास पैसे जा रहे थे और आ कुछ नहीं रहा था, इसमें पैसे हमारे पास आ रहे हैं और जा कुछ नहीं रहा। तो जो चीज़ नहीं जा रही वो इनटेंजिबल, वो नजर नहीं आ रही, वो सर्विस है, वो हमारी क्या है इनकम। दूसरा अकाउंट हमारा क्या है इनकम का। इनकम हमारे पास इनकम का नाम वहाँ पर लिखते हैं, रिसीव हुई इनकम का नाम नहीं होता। जैसे हमारे एक्सपेंस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई पेड नाम नहीं होता, पेड कोई पेड होता था अदा करना, वो अदा करना ऊपर नजर आ रहा है, इसी तरह रिसीव करना, तो रिसीव हम क्या कर रहे हैं कैश, वो कैश रिसीव ऊपर होता नजर आ रहा है कि आ रहा है कैश। हमने रिसीव जो कैश किया वो किस चीज़ का किया भाई, कमीशन का कैश रिसीव किया, तो यहाँ पे जो नेम होगा वो आपके पास कमीशन आ जाएगा। कमीशन एक इनकम है, इंक्रीज करेगी तो हमारे पास साइन देखते हैं। अब फाइनेंशियल इंक्रीज क्यों करेगी ये, याद रखिए कि जब भी हमारे पास इनकम जो है वो आपके पास कल जो इनकम थी जिसे
जितनी भी इनकम आप अपनी दो इनकम डिस्पोज करें, कल आपको सैलरी मिली और आपको घर का रेंट मिला अपने घर से, तो आपको दो इनकम हुई। आज आपको कहीं से प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, किसी कंपनी का आपने आपने इन्वेस्ट किया था, आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो कल आपको दो इनकम हुई, आज एक और हो रही, तो इनकम इंक्रीज हो रही है। और अगर आप देखें तो हर हर साल के साल, हर महीने के महीने आपको जिस तरह पहले आपको सैलरी मिलती है, तो उसके बाद जब दोबारा मिलती है तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस बिना पर याद रखिएगा, मैंने आपको ये एक्सपेंस के अंदर भी बयान किया था कि एक्सपेंस में भी और इनकम के अंदर भी हमेशा इनकम एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे होंगे वक्त के साथ साथ। पहले जितनी इनकम है उससे आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, पहले जितना आपका एक्सपेंस था उससे आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर देखते हैं इनकम जब भी इंक्रीज हो तो साइन आ जाएगा आपके पास क्रेडिट का, अमाउंट है हमारे पास 9,000। तो ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि जब बिल्कुल सेम एक्सपेंस के ऑपोजिट की ट्रांजेक्शन है ये, कि जिसके अंदर जब भी आपके पास क्या एक्सपेंस में से पैसे जाए और आए कुछ ना, तो आपका एक्सपेंस होगा। यहाँ पैसे आए और जाए कुछ ना, जब पैसे आ रहे हैं और दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो आपका आपकी इनकम है। नेक्स्ट इनकम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि अब हमने आगे जाके गुड्स एक चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी तक जो इनिशियल हमारा जो 5 लेक्चर हैं इसके, उसके अंदर समझने के लिए ये वाली बात काफ़ी है। आगे अच्छा, इस ट्रांजेक्शन को जरा एंड तक के लिए छोड़ेंगे, मैं यहाँ पे दूसरे की जगह छोड़ता हूँ, फिर तीसरे को बताता हूँ। रिसीव इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने कहीं पे हम एक इंश्योरेंस कंपनी एक्सपोज करें, तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव हुआ, तो किस शक्ल में रिसीव हुआ होगा, कैश शक्ल में। हमने यहाँ पे सेकेंड वाला हम छोड़ देंगे, यहाँ लिखते हैं कैश शक्ल में रिसीव हुआ, कैश हमें मिला, कैश एक एसेट है, आया इंक्रीज होगा, तो हमारे पास जब भी एसेट इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 900 रुपये। नेक्स्ट आगे वो कहता है कि फिर अब देखते हैं ऊपर जाके कि दूसरा अकाउंट कौन सा है। रिसीव इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें हमारे पास हमारे कारोबार के अंदर ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमें रिसीव हुआ और पैसे आ रहे हैं, पर हमारे पास से बदले में जा कुछ भी नहीं रहा, तो आप फॉर्मूले की तरफ आते हैं, दूसरा अकाउंट आपको नहीं मिला। जब भी हम आपको दूसरा अकाउंट ना मिले तो आप ये इन बॉक्सेस की तरफ आ जाएंगे, जिस तरह आपने एक्सपेंसेस के अंदर किया था। तो यहाँ पे हम राय हमें देखा कि यार ये इस सिचुएशन में जब कैश जा आ रहा हो जाए कुछ ना, तो क्या अकाउंट हमारा दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा होगा। एक्सपेंसिस तो देखा उसमें पैसे आने दे, पैसे जा रहे हैं, इनकम में देखें हाँ यहाँ पैसे आ रहे हैं और बदले में आउट कोई भी चीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो चीज़ आउट नहीं हो रही है हमारी क्या है इनकम, ही हमारी कुछ सर्विस है जो नज़र नहीं आ रही है आपको। आउट होती है ऑब्वियसली, अपनी टेंजिबल चीज़ देते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती, हम जिस सेंस में बात करते हैं टेंजिबली चीज़ जा रही है पर टेंजिबल कोई चीज़ नहीं आ रही। इनकम में टेंजिबल कैश आ रहा है आपके पास पर टेंजिबल कोई और चीज़ आपके पास जा नहीं रही, तो इनकम हमारी पहले आज हमारी इनकम थी वो कल की बनस्पत इंक्रीज हो रही है, या यूँ भी सोच सकते हैं कि आज हमारी जीरो इनकम थी, एक इनकम हुई, जीरो से बाद इनकम आपकी बढ़ गई तो इंक्रीज हो गई। और जब भी इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट अमाउंट है 900। और इनकम का नाम क्या होगा, रिसीव तो नाम नहीं है ठीक है, इंश्योरेंस वाले लिखूँ तो इंश्योरेंस लगता है कि इंश्योरेंस कराई है आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम खाली प्रीमियम लिखे तो किस्त पता नहीं चल रहा किस चीज़ की किस्त है, तो यहाँ पे आपके पास जो पूरा नाम होगा वो होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट रेंट रिसीव रुपीज 5,000, बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया, रेंट रिसीव किया हमने किस शक्ल में रिसीव किया होगा जी, कैश की शक्ल में रिसीव किया होगा, और कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एक एसेट है हमारे पास रेंट के तौर पे, तो कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज होगा आएगा हमारे पास इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है हमारे पास 5,000। अब दूसरा अकाउंट ढूंढते हैं, अगर आप दूसरा अकाउंट ढूंढें तो रेंट से मिल रहा है और हमारे पास से जो कुछ नहीं रहा, तो दूसरा अकाउंट जब नहीं मिले तो हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आते हैं अपने फार्मूलाज के पास, फार्मूला के हिसाब से जब भी पैसे आ रहे हैं और जाए कुछ ना, तो हमारी क्या होती है इनकम, जिस ऊपर आपने फाइंड आउट किया इनकम है इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगी, अमाउंट है हमारे पास 5,000। और याद रखिएगा आमतौर पर जब भी दो अकाउंट और ऊपर डेबिट हो तो अंडरस्टूड सी बात है नीचे क्रेडिट ही होगा, और नाम क्या है इसका, नाम है जी रेंट। तो ये आपकी तीन ट्रांजेक्शन जो है वो एंड हो गई।
लास्ट हमारे पास, वो कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव किया हमने ₹4,000, इंटरेस्ट रिसीव किए हमने, तो इंटरेस्ट है हमारे पास किसी ने रिसीव किया होगा, हमने रिसीव किया होगा बैंक की शक्ल के अंदर, मतलब हमें इंटरेस्ट मिला होगा, बैंक से मिला होगा, और बैंक जो है वो हमारे पास हमें पैसे बैंक ने बैंक के अकाउंट में जमा कराए होंगे। तो अब जरा देखते हैं, बैंक के अकाउंट में जब बैंक पैसे जमा कराएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हमेशा पेमेंट के, एक होता है बैंक, एक होता है कैश। मतलब वो पेमेंट जो आपने रिसीव या पे की है रुपयों में तो वो वर्ड कैश कहलाएगा, और वो पेमेंट जो आपने चेक, पेटीएम, बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू भेजी या रिसीव की होती है उसे हम वर्ड बोलते हैं बैंक। मतलब आपने पेमेंट के जराए आपने दो हिस्सों बांटते हैं हम लोग अकाउंटिंग के अंदर, एक को बैंक बोलते हैं, एक को कैश बोलते हैं। जब भी आपके ऑफिस से, आपकी जेब से जब भी पेमेंट हो या आप पेमेंट रिसीव करें रुपयों के अंदर, हम वर्ड यहाँ से मांगते हैं कैश, इस तरह ये बकिया ट्रांजेक्शन के अंदर हुआ। लेकिन जब भी आपके पास पेमेंट जाए बैंक के जरिए, मतलब चेक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके अंदर पेमेंट कम या ज़्यादा हो रही है आपके अकाउंट में, तो हम यहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेमेंट का बैंक। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा। तो रिसीव किया इंटरेस्ट, मैं यहाँ बैंक के बारे में वर्ड क्यों बयान कर रहा हूँ, सूद रिसीव किया, और सूद अगर आप नोट करें तो ओवरऑल हमें कौन पे करता है, बैंक पे करता है। अब आप देखें कि अगर हम रिसीव करें इंटरेस्ट बैंक से, तो बैंक हमें क्या बुला के इंटरेस्ट देगा, ये आ जाए जी आपके ₹200 इंटरेस्ट के जो है वो हमने आपको ये कैश में अदा करने हैं। उनके पास हमारा बैंक अकाउंट मौजूद है जिसके अंदर पहले से हमारे पैसे पड़े हुए हैं, वो ₹200 उस बैंक अकाउंट के अंदर भेज से, तो बैंक के अंदर पैसे आएंगे, बैंक हमारा एसेट है, और ये इंक्रीज करेगा तो हमारे पास हो जाएगा डेबिट, और अमाउंट है इसकी ₹4,000। अब बैंक एसेट क्यों, क्योंकि बैंक में कैश पड़ा है, कैश हमारा एसेट है, तो बैंक भी हमारा क्या होगा एसेट। और दूसरी तरफ हमारे पास जो पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आ जा कुछ नहीं रहा, तो हमारी इनकम होगी। इनकम का नाम है हमारे पास, वो देखें इंटरेस्ट, रिसीव वर्ड नहीं लिखना आपने, इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, अमाउंट है 4,000। सो दिस वाज इट, ये था आपका इनकम वाला पार्ट। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको इनकम की तमाम तफसीलात क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा इनकम एक्सपेंस का बिल्कुल अपोजिट है। ये हमारा तीसरा पार्ट था इस पूरी सीरीज का, आपकी जो आपकी बेस बिल्डिंग सीरीज है अकाउंटिंग की, उसका अभी दो और पार्ट रहते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इंशाल्लाह उसको एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। Subscribe our channel ideas.tv and press the bell button to get new updates.